गुड नून एवरी वन, टूडे डिस्कस अबाउट इन मास ट्रांसफॉर्मेशन टू यूनिट नंबर 5 एड्सॉर्प्शन एंड एडक्शेंज। इन प्रीवियस लेक्चर में आप जुड़े तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट्स, तो आज टॉपिक है एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। एम फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट सब पॉइंट डिस्कस कर सिंगल गैसेस एंड वेपर्स। ओके तो स्टार्ट करिए आप एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम एंड सिंगल गैस एंड वेपर्स तरीके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन पार्ट, द ग्रेट बल्क ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रिटेंडिंग टू एड्सॉर्प्शन रिप्रेजेंट। हमें जो बल्कना एक्सपेरिमेंटल डेटा पर आप डिस्कस करवानु छे तो हाउ फॉर मेजरमेंट तरीके, तो मेनी ऑफ दी वेर गेधर्ड इन एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड कॉर्पोरेशन फॉर वन और अनदर ऑफ द मेनी थियरीज विच हैव बीन एडवांस इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द एड्सॉर्प्शन ऑफ फिनोमिना सीम्पली। ओके एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम है एक बल्क फेजना एक्सपेरिमेंट डेटा प्लेटिंग बेसिस पर है फॉर एड्सॉर्प्शन रिप्रेजेंट फॉर इक्विलिब्रियम मेजरमेंट एंड मेनी ऑफ दी वी आर गेदर्ड इन एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड कार्बोरेशन फॉर वन और अनदर ऑफ द मेनी थियरीज विच हैव बीन एडवांस इन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन फिनोमिना ऑल्सो नो वन थियरीज हैज येट बीन डिवाइज्ड विच सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन इवन अ मेजोरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड दिस डिस्कशन इज देयरफॉर limited simply to a description part of the more commonly observed and adsorption characteristics also and the theories are reviewed and elsewhere also for this page number. Okay simply apne je joye chhe no first part chhe single stage vapors no this is a graphically system. ओके पछी आपणे सेकंड पार्ट छे नेक्स्ट लेक्चर में जोईशुं आपणे। इज अ सिंगल गैसेस एंड वेपर्स तरीके डिस्कस करीए छीए। तो फर्स्ट पॉइंट, इन मेनी रिस्पेक्ट इक्विलिब्रियम एड्सॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस और वेपर अपॉन अ सॉलिड रिसेम्बल द इक्विलिब्रियम सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अपने सीम्पल एड्सॉर्प्शन में डिस्कस करी थू। आ है एड्सॉर्प्शन, तो ये क्या बेसिस पर आवशे? सीम्पली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ओके गैस इन अ लिक्विड आप फिगर 11.1 में ग्राफिकली सीस्टम में जाना है दिस वन। ओके सो इन अ मेन पॉइंट इन अ ग्राफिकली सीस्टम एंड आई विल कम्प्लीटली डिस्कस अबाउट फॉर दिस वन। ओके दिस इज अ ग्राफिकली सीस्टम आप डिस्कस करीशू वन बाय वन पॉइंट। एनी मेनी रिस्पेक्ट द इक्विलिब्रियम एड्सॉर्प्शन फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस और वेपर एनी अपॉन द सॉलिड रिसेम्बल द इक्विलिब्रियम सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड ऑल्सो एंड फिगर 11.11 में आप जुड़ू कि सो ओवरऑल इक्विलिब्रियम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल बेसिस पर है फॉर अ पर्टिक्युलर एक्टिवेटेड कार्बन एज अ एड्सॉर्बेंट वेर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेड सम गैसेस एंड द एड्सॉर्बेट ऑन द सॉलिड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर और गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। Okay, simply the curves of this sort are analogous to those of the figure 8.1 जी आपने starting में जो किया था बराबर। At 100 degree Celsius for example pure acetone
pure acetone vapor at a pressure is 190 mmHg. Okay, in equilibrium with an adsorbate also, for a concentration of 0.2 kg adsorbate, for a simply जो ही है तो आपने acetone per kg carbon जो 0.1 graphical system पर से okay, simply. ओके दिस इज अ ग्राफिकल सीस्टम अपने जानू है हमें अपने आ ग्राफ ने डिस्कस करीशू ओके जस्ट सो इट फास्ट आप डिस्कस करिए ओके दिस इज अ ग्राफिकल सीस्टम अपने इन्हें डिस्कस करवा है then at a 100 degree celsius for example માં આપણે જોઈશું for a partial pressure p bar એટલે એના રાઉન્ડ ફ્લો નું તમને બતાવ્યું છે 0.2 kg adsorb acetone and carbon 0.8 increasing the pressure of the acetone will be cause more of the adsorb as a rising curve ओके राइजिंग कर्व एंड द डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इट विल बी कॉज एसीटोन टू बी डिसॉल्व ओके सो दिस ग्राफिकली सिस्टम फिगर नाम शू है इक्विलिब्रियम एड्सॉर्प्शन ऑफ वेपर ऑन एक्टिवेटेड कार्बन तो सीम्पली शू कीधु इन मेनी रिस्पेक्ट द इक्विलिब्रियम सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो ओके सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द गैस वेपर अपॉन द सॉलिड रिसेम्बल इक्विलिब्रियम फॉर अ आइसोथर्म फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिवेटेड कार्बन फॉर एड्सॉर्बेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए on this solid plotted again equilibrium part for a vapor gas at constant temperature na basis par che okay so simply constant temperature okay now this basis figure 8.1 at this curve of a sort are analogous to those of the figure 8 at 100 degree celsius फॉर एक्जाम्पल जो लिया आपने कोई भी एना बेसिस पर आपने प्योर एसीटोन वेपर्स एट 190 mmHg इन इक्विलिब्रियम विथ एड्सॉर्बेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 kg एड्सॉर्ब एसीटोन पर kg कार्बन 0.A इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एसीटोन विल कॉज मोर टू बी adsorb as the rising curve indicates at and decreasing the pressure of the system at a will cause acetone to be dissolved from the carbon while not determined experimentally in this case it is known that the 100 degree celsius isotherm for acetone will continue to rise only to a pressure of 2790 mmHg the saturation of vapor of acetone at this temperature at a higher pressure to no acetone can exist in the vapor state also at this temperature but instead will condense entirely to a liquid it will be thus the possibilities of the identifiably large concentration areas to be substance on the solid at pressure the higher than the vapor pressure as a at a point b for a 11.2 figure this one typical complete vapor adsorption isotherm mate che na ek figure jula khas bar okay super saturation vapor pressure che ane equilibrium partial pressure at to the vapor ane kg of adsorbed per kg of adsorbent टिपिकली कम्प्लीट वेपर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये आपणे जोई लेशुं
Okay, so these are graphically system. And however the concentration in excess of the corresponding to point B indicate the liquefaction, but not necessarily adsorption of the vapor gases above their critical temperature, of course, do not show these characteristics also. Okay, then that is figure 11.1 je discuss karnu chhe na abhi is par apde joi lo ek var. Okay, these are different gases and vapors are adsorbed to different extent under comparable conditions. Thus, benzene 11.1 diagram no bijis chhe. For a more radially adsorbed then acetone and same temperature and give a higher adsorbate, the sum concentration for a given equilibrium pressure, as a general rule, vapors and gases are more radially adsorbed. The higher their molecular weight also, and lower their critical temperature. Some chemical differences as the extent of unsaturation in the diagram basis. Okay, types of adsorption, isotherms, and some vapors na basis par chhe. The molecules also influence the extent of adsorption. The so-called permanent gases are usually adsorbed when to a relatively small extent, as the methane isotherm of figure 11.1 indicates. The adsorption isotherm are not always the conserve the pressure. Some exist shape in 11.3 have all been observed of various system. Here the ordinate is plotted as equilibrium partial pressure also, by the saturation vapors P of the adsorbed some substances. Actually, the relative saturation in O order to place all this curve on a comparable basis. Okay, now it will be recalled that the change of the liquid solvent profoundly alters some equilibrium solubility of a gas aspect. In the some gas cases, add a liquid solution in a similar fashion. The equilibrium curves for acetone, benzene and methane on the silica gel as adsorbent and figure 11.1 ma joyu apde barabar. Okay, the shape shown in figure 11.3, the various here ordinate plotted equilibrium partial pressure divided by the saturation vapors P of the adsorbed for in a order to places for some curve comparable basis also. It can be recalled the change in the liquid solvent profoundly alters the equilibrium solubility of the gas aspect in the case of ideal liquid solutions. In a similar fashion, the equilibrium curve also for acetone, benzene and methane on the silica gel as adsorbent would be entirely different from those to the this figure 11.1 ma apne graphical system ma joyu tu. It needed for this reasons many of the data gathered
many years ago were no longer partially value. Since method of the preparing adsorbents also, and the consequently the corresponding adsorbent, some capacities have improved over the years. Okay, this is a simple discussion part for a graphical system for a single gases and vapors also. Okay, so thank you so much. Next lecture mein apde jaisu adsorption hysteresis curve, J adsorption equilibrium. Thank you so much.